पंचकुला के डीसी कार्यालय के बाहर गेस्ट टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला भी फूंका। गेस्ट टीचरों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि चुनावों से पहले एजुकेशन मंत्री रामविलास शर्मा ने खुद वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सबसे पहले गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब सरकार गेस्ट टीचरों को निकालने की तैयारी कर रही है। यह है टीसी गुप्ता जी ने कल सरकार की तरफ से हलफनामा दिया है कि हम आहिस्ता कोर्ट के अंदर के हम आहिस्ता आहिस्ता सभी गेस्ट टीचरों को हटा देंगे। जबकि जब दिल्ली में 2 फरवरी 2014 में हमारा अनशन चला हुआ था तो उस पर रामविलास शर्मा जी ने ये कहा था कि हमारी सत्ता आने पर हम आपको पहली कलम से रेगुलर करेंगे। उसके बाद यही अपनी जो उनका मांग था, इनका घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो में भी यही बात इन्होंने डाली थी। उसके बाद हरियाणा ये जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, ये हमें क्यों निकालना चाहती है, क्यों निकाल रही है और अपनी जो इन्होंने बात कही थी उसके ये खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें रेगुलर करने की बजाय हमें निकालने की बात कर रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।